जी रोड और ब्रिगेड रोड बैंगलोर काफी फेमस है। भांगड़ के बारे में क्या? हॉन्टेड प्लेस है। क्या हुआ है, बैंड के अंदर जाना अलाउड नहीं है, कुछ लाइसेंस लेना पड़ता है। लाइसेंस लेकर आप उस घर पे जा सकते। अगर आप लोग बैंगलोर आ रहे हैं तो आपको ब्रिगेड रोड और एमजी रोड जरूर आना चाहिए, काफी अच्छे ईटरीज भी हैं यहाँ। ओके, हम लोग आए मिल्क बार। ये काफी पुरानी शॉप है एमजी रोड में, 1930 आपने देखा होगा लिखा हुआ। और ये पूरी रात ओपन रहती है, पहले 2 o'clock तक ओपन रहती थी, आई थिंक वीकेंड्स पे ये पूरे दिन ओपन रहती है, पूरी रात मतलब। तो आप रात को कभी भी अगर आपको आइसक्रीम खाने का मन है ना, तो आप यहाँ पे मिल्क बार में आ सकते हैं एमजी रोड की। लोग यहाँ पे गाड़ी पार्क करते हैं तो गाड़ी में ही आके ऑर्डर लेते हैं और वहीं पे दे देते हैं ऑर्डर। पर हम लोग, मैं दिखाने के लिए गाड़ी से बाहर आ गई हूँ, हमारी गाड़ी पार्क है। अभी हम लोग ऑर्डर करते हैं कुछ, संडे वनडे यहाँ पे बहुत टेस्टी मिलते हैं तो हम लोग ऑर्डर करते हैं। लेट्स सी द मेन्यू। संडे वी आर ऑर्डरिंग। तो एक्चुअली यहाँ पे आते हैं हम लोगों ने कुछ ज़्यादा ही दूर गाड़ी पार्क की है, नहीं तो गाड़ी में आते हैं लेने के लिए ऑर्डर और मतलब देने के लिए। पर हम लोग अभी शॉप में जाते हैं। चलो, हमने ऑर्डर ले लिया। मेन्यू इनका एकदम ट्रेजर हंट मैप से कम नहीं है ये कि हमें पहले यहाँ से जाना है। गाइज़ ये अभी इन्होंने बनाई है रेसिपी और गार्निश कर रही है। बाकी इतनी मेहनत से इन्होंने बनाई, रोड साइड खड़े होके मिट्टी की पसीने पसीने हो गए। ऐसे करके ये लो चम्मच। गरम तो खा सकते हैं, गरम भी नहीं खा सकते। चम्मच ओली तो खा लेगा भाई, खा नहीं रहा। बेटे थोड़ा टेस्ट करके देखो। Let me give you some reaction on the food. Hot and cold. What a combo. Chocolate. ये लोग खा लो जीजा जी। तुमने आप भी खाओ। Just tell what was the combo. शादियों में यही होता है, खाना खा रहे होते हैं जैसे कैमरा मैन आते खाना बंद कर देती हैं। भाई ये तो स्टोरी फुल छोटा सा बस ठीक है। वाह, आई फिनिश दिस। लो ना चॉकलेट। सॉरी बट फुल। ऐसे हम पैसे भी कमाए जा सकते हैं क्या? मुझे छोड़ के हाँ मुझे आजकल बहुत जरूरत है। बात बताई थी ऐसी नहीं, ऐसी बात थी फ्रेंड्स। हम लोगों ने डेजर्ट्स खा लिए और अभी हम लोग निकल रहे हैं, तो हम लोग एक और पॉइंट आपको दिखाएंगे यूबी सिटी। इट वॉज रियली सिजलिंग एंड दिस इज मिनी। तो आप मिनी को तो जानते ही एनी हो।
पर मैं एक और बात मिनी के बारे में बताती हूँ, शी इज़ वेरी टैलेंटेड एक्चुअली। और मैंने शायद अपने एक वीडियो में हेलोवीन वाले के मेंशन किया था कि वो काफ़ी अच्छी फेस पेंटिंग मतलब करती है और मेकअप काफ़ी अच्छा करती है और वो काफ़ी अच्छे हेयर स्टाइल्स बनाती है, मतलब आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो आप उसका चैनल चेकआउट कर सकते हैं, अमृता सिंह, द अमृता सिंह करके उसका चैनल है। बहुत ही मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट हेयर स्टाइल्स को बहुत ही ईजी वे में बनाना सिखाती है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं उसका चैनल। डू नथिंग, ओके। अभी हम लोग निकल, अभी लोगों का जिनका ब्लॉग नहीं बनता है तो बहुत ट्रैवल। और हमारी फैमिली में यूट्यूबर्स और टैलेंटेड पीपल की कमी नहीं है। एक और यूट्यूबर है, इनके चैनल का नाम है इंडियन ब्लॉगर हनी सिंह, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में वो बैंगलोर के बारे में और काफ़ी चीज़ें दिखाती है, ब्लॉग्स दिखाती है, मेरी लाइफ से रिलेटेड ब्लॉग्स बनाती है। तो आप अभी सुनी, आपने सुनी लिया होगा कि हाउ इंटरेस्टिंग शी साउंड, सो आप इनके चैनल चेकआउट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। और अभी हम लोग निकल रहे हैं, हम लोग यू बी सिटी जाएंगे, वो काफ़ी अच्छा मॉल है। और हम यहाँ पे थोड़े अनटैलेंटेड लोग, शी इज़ ऑल्सो टैलेंटेड, मतलब आई ट्रैवल अ लॉट बट या आई, मतलब शी इज़ टैलेंटेड बट उसके पास टाइम नहीं इतना, बिकॉज वो इतना काम करती है कि उसके पास टाइम नहीं है ये सब बोलने की जरूरत नहीं, ये सब कट होएगा। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं यूबी सिटी के लिए, मैं क्योंकि आपको थोड़ी हैपनिंग जगह दिखा रही थी, यूबी सिटी भी काफ़ी हैपनिंग एक मॉल है यहाँ पे, तो चलिए हम लोग दिखाते हैं वहाँ पे, काफ़ी बड़ा मॉल है। चलिए चांदनी, सॉरी फॉर डिस्टर्ब यू, माय नेम इज़ शिव कुमार कमिंग फ्रॉम गदग नॉर्थ कर्नाटका। I am a mimicry artist. My father is not there. My mother is physical handicap, and my sister second PUC is studying. I'm epilepsy patient, and I'm go to all public places, school, college, hostel, and all government offices. That's why I'm doing mimicry. I'm doing mimicry all animals, birds, and helicopter, train, and actors sounds doing. First of all, I'm doing mimicry animals. Small dog. And German Shepherd, big dog. And two dog fighting. And German Shepherd. And a cow, buffalo. And a donkey. Thank you. अभी ड्राइवर चेंज हो गया है। Now it's my duty. फ्रेंड्स हम लोग आ गए यूबी सिटी, जैसे मैंने बताया था कि काफी बड़ा मॉल है, तो आप देख सकते हैं ये विजय माल्या का मॉल है, मतलब ही वॉज द ओनर बिफोर, बट अभी तो सब कुछ बिग बुक जगह है। और उसके पीछे जो एक यूबी सिटी की अपार्टमेंट्स है, वहाँ पे दीपिका, विराट, राहुल द्रविड़ और इन सबके फ्लैट्स यूबी सिटी अपार्टमेंट्स में, तो काफ़ी बड़ा मॉल है। हम लोग काफ़ी लेट हो गए तो अभी बंद है, बट यू कैन सी इट्स अ ओल्ड बिल्डिंग, आर्किटेक्चर काफ़ी अच्छा है मॉल का। थोड़ा मैं अंदर चल के दिखाती हूँ कि अगर देख सकते हैं तो। चलिए इसके पीछे विजय माल्या का घर है, ये यूबी सिटी ख़त्म होते ही, और वहाँ पे से पहले बहुत सारी हाई फाई गाड़ियाँ निकला करती थी, अभी तो विजय माल्या पता नहीं कहीं और रहता ना, क्योंकि ही इज़ अ यू नो द हिस्ट्री। फ्रेंड्स इसके ऊपर एक बहुत बड़ा डेस्क भी है, स्काई उसको बोलते हैं, और वहाँ पे इतना लाउड म्यूजिक बज रहा है कि अब यहाँ पे मुझे सुनाई दे रहा है बहुत ही। वो आई थिंक 30th फ्लोर पे है कुछ ऐसे, काफ़ी ऊँचा और रूफ टॉप वाला डेस्क है, काफ़ी अच्छा लगता है। और वहाँ से शोर अभी तक आ रहा है, तो वही बस ओपन है, बाकी सारे ब्रांड्स अभी क्लोज हो गए।
बस मैं आप लोगों को थोड़ी हैपनिंग प्लेसेस दिखाना चाहती थी एंड आई वांटेड टू एंजॉय द नाइट लाइफ. काफ़ी टाइम बाद नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है मुझे क्योंकि मैं इन सब जगह पे आया करती थी. तो आई होप आपको देख के अच्छा लग रहा होगा. और अभी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे वॉक करेंगे क्योंकि ये रोड काफ़ी अच्छी है. एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े सैलून भी हैं, बाउंस और काफ़ी सारे बड़े बड़े हेयर सैलून हैं, काफ़ी और भी काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स के शॉप्स हैं यहाँ पे. फ्रेंड्स हम लोग ये विधान सौदा जो बैंगलोर का है कर्नाटका का, ये यहाँ का पार्लियामेंट है और ये काफ़ी बड़ा बना हुआ है. अभी दोबारा रेनोवेट होके बना है. काफ़ी सुंदर है इसका आर्किटेक्चर. और मेरी बचपन में भी यहाँ पे मम्मी पापा के साथ फ़ोटो है जो मैं आई थिंक 1 month की थी तब से मेरी फ़ोटो यार ऐसे नहीं आ रही कर लो भूवन. और जब मैं छोटी थी तब की भी मेरी पिक है यहाँ पे. मम्मी पापा के साथ मैं 1 month की थी तो यहाँ पे लेकर आए थे और वो पिक है मेरे पास पिक है मेरी यहाँ पे. तो मुझे वो याद आ रहा है वो चीज़ के मम्मी पापा के साथ मेरी फ़ोटो है यहाँ पे. और अच्छा फील लग रहा है बैंगलोर में ऐसे घूमते हुए. बोलते हैं ना यहाँ मैं घर घर खेली तो ये फील आ रहा है यहाँ पे मैं घर घर खेली. तो फ्रेंड्स आज वुमेंस डे भी था और ये हमारा वुमेंस डे का सेलिब्रेशन था. सारी हम लोग घर की लड़कियाँ यहाँ पे रात को अच्छे से वुमेंस डे मना रहे हैं. और बैंगलोर आप देख सकते हैं कि इतना सेफ है कि हम लोग रात को ऐसे घूम रहे हैं. आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी. और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो आपको मेरी ये वीडियो भी पसंद आएगी जहाँ पे मैंने अपने घर को दिखा रखा है. होम टूर है मेरे बैंगलोर वाले घर का. सो आई विल सी यू देयर.